हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम कुमार। जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि मैं अब आपको क्या बताने वाला हूं। आज जो आपने अभी जस्ट सुना, आज उस धुन को मैं इतनी सरल तरीके से बताने वाला हूं कि एक मूर्ख से मूर्ख भी इंसान यदि एक बार देख लिया इस वीडियो को तो डेफिनेटली वो बजा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, वो धुन बजाने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। थोड़ा आप केयर करेंगे तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे, एकदम आपके लिए सरल हो जाएगा। तो देर न करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए। जैसे कि मैं आपको बहुत ही आसानी प्रोग्राम सरल तरीके से बताऊंगा ताकि आप एक बार देखे तो आपको भली बात ही समझ में आ जाए। तो देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। आपको इसको इस टोन को बजाने के लिए सा कोमल ध सा रे ग, यानी एक टोन मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देख पाए, जैसे कि थोड़ा मैं गुनगुनाना चाहूंगा आपके सामने। मैं स्लो स्लो बजा रहा हूं ताकि आप समझ सके। एक लाइन कंप्लीट, सेकेंड लाइन स्टार्ट होता है यहां से रे सा ध सा रे प प ग रे सा, जैसा कि मैं आपके सामने पेश करने जा शो करना चाहता हूं। कि आपने देखा कभी शाम बनी की थी चले आना सानी सारे गरे सा। आप बने रहिए, मैं एक इस धुन में कंप्लीट बजाता हूं। थोड़ा मैं आपको सामने बता दे रहा हूं कि सा फर्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे सा ध सा रे ग, सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे रे सा ध सा रे प ग रे सा, चले आना नी सा रे ग ग रे सा। मैं आपके लिए स्लो बजाने में फास्ट बजाता हूं इसको। लाइन कंप्लीट हो गया, कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना,
इतना तो समझ गए आप। सेकेंड लाइन स्टार्ट होता है, हो कभी राम रूप में आना, पा धा पा धा पा म ग रे सा। अब कंप्लीट हो गया, पा धा पा म ग रे ग रे सा कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैं बजा के दिखाना चाहता हूँ आपको सामने बहुत स्लो में, हो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर वही लाइन स्टार्ट होगा, कभी राम बनी के कभी श्याम बनी, जिससे आपने पहले सीखा फिर सही होगा। जैसे मैं एक कंप्लीट धुन बजा के दिखाता हूँ आपको, कंप्लीट। ये आप गाना फुल हो गया, आप बार बार यहीं बजाएंगे फिर यहाँ आएंगे, यहीं बजाएंगे फिर यहाँ आएंगे, इस तरह आप गाना कंप्लीट, एक सॉन्ग आप कंप्लीट सीखेंगे। यदि इसे किसी पतले वॉइस से आप इस सॉन्ग को यहाँ से बजा सकते हैं, जैसा कि आपको भली बातें समझ आएगा, बहुत ही आसान एकदम सरल तरीके से बताया मैंने आपको। तो अब वीडियो को विराम करते हैं, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।